हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो लेकर आई हूँ खास बिगनर्स के लिए, जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो कोई स्लीव्स की कटिंग करते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। तो यहाँ मैं आपको लॉन्ग बाजू की आस्तीन की कटिंग बताऊँगी बहुत ही परफेक्ट तरीके से, क्योंकि बिगनर्स को दिक्कत होती है कि हम इसमें आर्म होल कितना लें, सही शेप कैसे बनाएं। तो ये सारी दिक्कत आज आपकी दूर हो जाएगी। वीडियो को फुल देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी चैनल पर नए बने हैं तो मेरे चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही प्यारे प्यारे कटिंग स्टिचिंग के वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बिगनर्स को अधिकतर ये दिक्कत होती है कि जब हम किसी स्लीव्स की कटिंग करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो लॉन्ग हो यानी बड़ी हो, तो उसमें हम आर्म होल कैसे निकालें, जो हमारी आस्तीन का शेप है उसे बिल्कुल परफेक्ट शेप में कैसे कटिंग करें, जिससे जब वो ज्वाइंट करें तो एकदम परफेक्ट शेप की बने और उसमें कोई रिंकल्स वगैरह भी ना बने। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज दूंगी आपको सीक्रेट आइडिया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आस्तीन की कटिंग के लिए यहाँ पर कपड़े को फोर फोल्ड करके रख लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको नीचे से एक जो है निशान लगा लेना है, क्योंकि अगर आपका कपड़ा कहीं छोटा या बड़ा है तो उसे आपको सबसे पहले एक सा कर लेना है, बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने देखा मैं 10 इंच की बाजू की कटिंग कर रही हूँ, जो कि हमारी कोहनी तक आती है। और 10 इंच की बाजू कटिंग करने के लिए हमें 11 इंच फुल लेंथ लेनी होगी, क्योंकि आधे इंच ऊपर और आधे इंच नीचे हमारे सिलाई में चला जाएगा। तो सबसे पहले 11 इंच पर हम निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, और जो ये टेक्निक मैं बता रही हूँ इसी टेक्निक से आप किसी भी साइज़ की बाजू की कटिंग कर सकते हैं, चाहे वो 10 इंच की हो, 11 की हो, 12, 15, 21, 22, कितनी भी फुल लेंथ हो, आप इसी टेक्निक से अपने किसी भी साइज़ की बाजू की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 11 इंच पर मैंने निशान लगा के ऊपर से भी कपड़े को एक सा कर लिया है, सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, जिससे कि हमारा कपड़ा एकदम सीधा रहे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये हमारे दोनों तरफ के निशान हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा बंद वाला साइड है, यहाँ से चारों तरफ हमारा फोल्ड है कपड़ा, और जो इस तरफ से देखिए एक तरफ फोल्ड है और एक तरफ ये दो भाग हमारे खुले हुए हैं। तो इस तरफ से हमें निशान लगाना है, यहाँ पर तकरीबन 3.5 इंच पे हमें ये निशान लगाना है। ध्यान दीजिएगा, 3.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है, और ये 3.5 इंच का निशान आप कितनी भी लंबी बाजू बनाएं, 21 की, 22 की, उसमें आपको 3.5 ही ये निशान रखना है। उसके बाद देखिए, इस तरीके से आपको तिरछा करके एक लाइन खींच लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है, जो हमने निशान लगाया है वहीं तक आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके, और इसी लाइन पर हम हमारे आर्म होल के निशान लगाएंगे और हमारी आस्तीन का जो शेप है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ आस्तीन की जो गोलाई है यानी फिटिंग है उसका निशान लगा लेते हैं। तो जो भी आपकी आस्तीन की फिटिंग आ रही हो, आपकी जो एल्बो तक जो भी फिटिंग आ रही हो, उसका आप सबसे पहले निशान लगा लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जितना मार्जिन रखना है उसका भी आप मार्जिन वाला कपड़ा लेकर उस पर निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे हमारे आर्म होल का निशान। जैसे कि मेरे आर्म होल हैं 8 इंच, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 7.5 इंच पर निशान लगाया है। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान क्यों लगाया है, तो आर्म होल हम कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिगनर्स को बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो कोई स्लीव्स की कटिंग करते हैं, जैसे कि लॉन्ग स्लीव देख रहे हैं तो या शॉर्ट स्लीव्स हो, कोई भी तरीके की बाजू की कटिंग हो, जब वो कटिंग करते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम जो आर्म होल का शेप कैसे दें और आर्म होल का जो फिटिंग का निशान कैसे निकालें। तो इसका बहुत ही सरल तरीका मैं बता दे रही हूँ आपको कि आप आर्म होल का निशान कैसे लगाएं आस्तीन की कटिंग करते समय। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ से देखिए आपकी आस्तीन, यहाँ से या आपको इंच टेप रखना है, जहाँ से ज्वाइंट है जो हमारे शोल्डर है यहाँ से रखना है, और हल्का हल्का इसको गोलाई शेप देते हुए इस तरीके से आपको मेजर करना है, यानी इसको नापना है। तो देखिए, ये हमारा यहाँ तक जो हमारी फिटिंग का निशान लगा है सिलाई का, ये 8 पे आ रहा है, यानी हमारे जो आर्म होल हैं वो 8 इंच के हैं। इसी तरीके से आपको किसी भी स्लीव्स के आर्म होल निकालने हैं, चाहे वो कुर्ती हो, ब्लाउज हो, उसके आर्म होल पर आपको यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप रखना है और इसको हल्का सा इस तरीके से शेप देते हुए यहाँ पर देख लेना है कि इसकी सिलाई कहाँ पर आ रही है फिटिंग की, तो वो आपके आर्म होल की फिटिंग का निशान होगा। तो जब आप, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने नापे थे, हमारे आर्म होल जो हैं वो 8 इंच पर आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया था हमें 8 इंच पर निशान नहीं लगाना है। तो यहाँ से आपको इंच टेप रखना है और आपको यहाँ पर 7.5 इंच पे यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है। तो देखिए, 7.5 इंच का ये आर्म होल का हमने निशान लगा दिया है, और इसी पे जो है हमें हमारी आस्तीन का शेप देना है। तो ये शेप कैसे देना है एकदम परफेक्ट तरीके से, वो भी मैं आगे आपको एक बहुत ही सरल और सीक्रेट टिप्स बताऊंगी। तो यहाँ पर हमें लगाना है 7.5 इंच पर निशान,
अब 7.5 पर क्योर लगाना है ये भी अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। अब आप आस्तीन में निशान लगाएंगे, यहाँ पर ऐसा तिरछा करते हुए जो निशान लगाएंगे वो आप जो है 8 इंच पर नहीं लगाएंगे, बल्कि उससे आप आधे इंच कम पर निशान लगाएंगे, यानी 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 7.5 इंच पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब हम आस्तीन को पार्ट में ज्वाइंट करते हैं तो आस्तीन को हम जो है हल्का सा खींचते हुए ज्वाइंट करते हैं। खींचने से क्या होता है, जो हमारा लेंथ जो आपको यहाँ कम लग रही है, खींचने के बाद जो है एकदम परफेक्ट आ जाती है, और यहाँ पर जो है आगे वाले पार्ट में हमारा गहराई वाला शेप भी होता है, जिस कारण जो है जब हम इसको खींच के लगाते हैं तो हमारी जो फिटिंग है वो यहाँ से एकदम परफेक्ट आ जाती है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बड़ी कर लेंगे और इसको आर्म होल ज़्यादा बड़े कर लेंगे तो जो आपकी जो यहाँ पर ज्वाइंट है वो तो सही आ जाएगा, लेकिन जब आप इसे फिटिंग करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा, ये कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको आर्म होल इस तरीके से इंची टेप से नाप लेना है, और जो भी आपका आर्म होल आ रहा है उसमें आपको आधे इंच कम करके अपनी आस्तीन में कटिंग करते समय आर्म होल का निशान लगाना है। तो इसी टेक्निक को आपको हर स्लीव्स की कटिंग में रखना है। तो 7.5 पर मैंने लगा दिया है आर्म होल का निशान, उसके बाद हम देंगे हमारी आस्तीन का शेप। तो शेप के लिए मैंने बैक पार्ट को देखिए, आस्तीन के ऊपर जो तिरछी लाइन खींची है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख लिया है, और जो हमारे बैक पार्ट का शोल्डर वाला जहाँ आर्म होल का हमने शेप बनाया ना, उसी शेप को हमें इसके ऊपर इस तरीके से चौक से बना देना है, लेकिन आधी दूरी तक। देखिए तो मैंने इसको आधी दूरी तक जो है हमारा आर्म होल का शेप बैक पार्ट का जो सेम था उसको इस पर बना लिया है, और उसके बाद इसे धीरे धीरे हमें नीचे डाउन करते जाना है। जहाँ पर हमने 3.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर इसे हल्के हल्के तिरछा करते हुए हमें डाउन कर देना है। इस तरीके से आप शेप बनाएंगे ना तो आपका शेप एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला बनेगा, सिलने के बाद आपकी आस्तीन एकदम परफेक्ट फिट वाली बनेगी। तो ये हमारा बैक पार्ट का हमने बना लिया है बहुत अच्छी तरीके से शेप, उसके बाद हम बनाएंगे आगे की गहराई वाला शेप। तो उसके लिए यहाँ मैंने देखिए 2 इंच पर निशान लगा लिया है, क्योंकि इस निशान के बाद से ही हमें गहराई देनी है आस्तीन की। तो यहाँ पर बिगनर गलती कर देते हैं, वो पूरी आस्तीन पर ही जो है गहराई से कटिंग कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसा मैंने निशान लगाया है 2 इंच का, और उसके बाद से इसमें देखिए गहराई का निशान लगाया है, तो ऐसा आपको भी करना है। तो ये देखिए कितने अच्छा हमारा जो है आस्तीन का शेप बनकर तैयार हो गया है, और गहराई में भी आपको ध्यान देना है कि 1 इंच से ज़्यादा आपको आस्तीन में गहराई नहीं देनी है। बहुत अच्छी तरीके से आपका शेप बनेगा, और सिलने के बाद जब आप इसे वेयर करेंगे पहनेंगे तो आपकी आस्तीन में कहीं कोई रिंकल्स नहीं आएंगे, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग वाली आपकी ये आस्तीन की कटिंग होगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी आस्तीन की ड्राफ्टिंग हो गई है तैयार, और मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया कि आपका कुर्ती या ब्लाउज़ का कोई भी बैक पार्ट हो उसे इस तरीके से रखिए और उसी के शेप को इस पर ड्रॉ करके हल्का हल्का तिरछा करते हुए आस्तीन का शेप दे दीजिए। तो ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है कम्प्लीट आस्तीन की, अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए हमने इसमें मार्जिन को भी ऐड कर लिया है, आप जितना मर्जी उतना मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। उसके बाद देखिए ये हमारा जो है सिलाई का निशान है फिटिंग वाला, तो इस पर हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं, जिससे हमें याद रहे जब हम ब्लाउज़ या कुर्ती स्टिच करें कि यहाँ पर जो है हमारा फिटिंग का निशान आएगा सिलाई वाला। उसके बाद हमें आस्तीन के जो 2 पार्ट हैं उन्हें देखिए इस तरीके से खोल कर रख लेना है, और उसके बाद जहाँ पर ये हमने गहराई वाले जो निशान बनाए थे इन पर हमें कटिंग कर देनी है। ध्यान रखना है सिर्फ 2 पार्टों पर हमें कटिंग करनी है, आस्तीनों को पहले खोल लेना है, उसके बाद जो 2 पार्ट पे हमने गहराई के निशान लगाए हैं उस पर हमें कटिंग कर देनी है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही परफेक्ट हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, जो कि हमारी 11 इंची स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसी टेक्निक से आप किसी भी तरीके की स्लीव्स, चाहे वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो, मतलब 10 इंच से ज़्यादा वाली, 11, 15, 21, 22, किसी भी तरीके की लॉन्ग स्लीव्स को आप इसी टेक्निक से कटिंग करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग वाली ये आस्तीन बनकर तैयार होगी। तो देखिए जो ये ब्लाउज है उस पर भी मैं रखकर इसको मेजर कर ले रही हूँ, तो शोल्डर भी मेरे एकदम बिल्कुल सही जगह पर आ रहे हैं, और जो आस्तीन की फिटिंग है वो भी एकदम परफेक्ट आ रही है। तो ये टेक्निक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिगनर्स के लिए तो एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम सरल है। इस टेक्निक से उन्हें आस्तीन की कटिंग करने में सहायता मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।